दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ही जड़ होती है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, है ना। तो अगर स्टूडेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वह कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ही केयरफुली अटेंड करे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज से, है ना, चार्ज या आवेश से। देखिए स्टूडेंट, आवेश या चार्ज, है ना, क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसे स्किप करते हैं। मतलब उन्हें आइडिया नहीं होता है कि आवेश होता क्या है, आया कहाँ से, है ना। वो सीधे ही स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो आवेश को यहाँ पर भले आपको दो चार पाँच मिनट लगे, लेकिन आप दीजिए जिससे आपका जो आवेश यानि चार्ज होता क्या है वास्तव में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में एक जादू किया होगा। जादू क्या किया होगा कि जब आप पेन को अपने बालों से इस प्रकार से रगड़ते थे और फिर इसे आप ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते थे, तो ये पेन क्या करता था, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। मतलब ये जादू आप लोगों ने सभी ने किया होगा, ठीक है, और बहुत बार ट्राई किया होगा, बहुत बार किया होगा ऐसा, है ना। तो ये जो जादू हो रहा है, ये जो फिनोमिना हो रहा है ना, इसे ही आप चार्ज कहते हो या आवेश कहते हो, ठीक है। तो अब आवेश ये हो रहा है, लेकिन ये किस कारण से हो रहा है ना। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ, मटेरियल में। मटेरियल किससे बनता है, अणु से। अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर फिर तीन मौलिक कण आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले हम देखते हैं यहां पर एक परमाणु को। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें अगर परमाणु की, तो आपको पता है कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो मौलिक कण होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर बंद कक्षाओं में आपका तीसरा मौलिक कण उपस्थित होता है, जिसे आप नाम देते हो क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब कि तीसरा मौलिक कण आपका यहाँ पर उपलब्ध होता है कक्षाओं में, ठीक है। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी की, तो हमको ये पता है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और कूलाम क्या है, यूनिट है चार्ज की। जैसे आपके करंट की एम्पियर होने वाली है, वोल्टेज की वोल्ट होने वाली है, सेम वैसे ही। जबकि प्रोटॉन क्या होता है आपका, प्रोटॉन आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और इसके ऊपर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सेम चार्ज होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंतर होता है साइन का, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम इसी प्रकार बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। तो हमेशा आप एक बात और याद रखेगा कि किसी भी परमाणु की सामान्य अवस्था में उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ओके। ये सारी चीज़ें बेसिक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही प्रोटॉन की संख्या होगी। जैसे अगर इस परमाणु में मान लो कि 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, सेम होंगे, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है यानी कि मान है, ये क्या होगा, बराबर होगा, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तो अगर मैं ऐसा कहूं -5 और +5 बराबर,
जीरो। ठीक है, मतलब क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में या सामान्य अवस्था में परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, परमाणु हो या एटम हो। तो इसीलिए अगर मैं इस पेन को अभी यहां पर कागज के टुकड़े रखूं और मैं यहां पर इसके कागज के टुकड़ों के ऊपर इस तरीके से घुमाऊं तो वहां पर कागज के टुकड़ों में कोई फोर्स या बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अभी यह नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जब मैं इसे इस प्रकार से रफ करता हूं बालों के ऊपर, उसके बाद जब मैं इसको यहां पर लेकर जाता हूं तो कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में आवेश शून्य होता है, है ना। अब देखो तो फिर चार्ज आता कैसे है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दो परमाणु लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई परमाणु ए है और यहाँ पर नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपलब्ध होंगे और यहाँ पर इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है ना, इसमें इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन दिखाया हूँ। यहाँ पर एक दूसरा परमाणु मैं बी ले रहा हूँ और यहाँ पर इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और फिर इसके आउटर कक्षाओं में यहाँ पर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब देखो क्या होता है कि जब आपने पढ़ा होगा कि रेशम के कपड़े को इस तरीके से, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रेशम का कपड़ा है, है ना, रेशम के कपड़े को आप यहाँ पर कोई कांच की छड़ ले लो, है ना। क्या लिया आपने, कांच की छड़, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सिर्फ आप मेरे साथ यहाँ पर देखते जाइए, अभी आपको अगले एक या दो मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो जब आपने इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े के साथ रफ किया, है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस कपड़े के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। और उस बेसिस पे आप कहते हो कि भैया कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज है, है ना। तो ये कैसे हुआ, इसको समझते हैं। देखिए ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी है, है ना। चलो इसमें एक दो तीन, मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में इसमें कितने, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, तीन होंगे। इसमें कितने दिखा दिए, चार दो छः, चलो ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें छः इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी कितने होंगे भैया, छः प्रोटॉन होंगे। बोलो परमाणु के ऊपर कितना चार्ज, आपका हो गया जीरो, क्योंकि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। परमाणु बी के ऊपर कितना चार्ज, आपका हो गया जीरो, क्योंकि वही कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ से इस परमाणु ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन, है ना, मान लीजिए कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु बी को डोनेट कर दिया, यानी कि ए से एक इलेक्ट्रॉन बी पर चला गया, है ना। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो परमाणु ए था इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन गया क्या, नहीं, यानी प्रोटॉन अभी भी क्या होंगे, तीन होंगे, ओके, क्लियर है। यहाँ तक बी के तरफ चलो तो बी के ऊपर क्या हुआ कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, छह इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए, सात इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आया क्या, नहीं आया, यानी कि छह प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ कि ए परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, जबकि बी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कम है। अब ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का कम होना मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज आपका एटम ए पर या परमाणु ए पर कम हो गया, जबकि प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये जो एटम ए है या परमाणु ए है, ये बिहेवियर करेगा एक पॉजिटिव चार्ज की तरह, यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना।
और आपका एटम बी है यानी परमाणु बी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बिहेवियर करेगा एज ए नेगेटिव चार्ज। बस यही फंडामेंटल है, यही बेसिक है कि चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, चार्ज इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए जब आप इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हो या रफ करते हो तो रेशम के कपड़े में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बिहेव करता है नेगेटिव चार्ज की तरह, और जो आपकी कांच की छड़ है ये बिहेव करती है एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यार समझ में आया कि नहीं, चार्ज बहुत आसान है। ठीक है, हमने देखा था कि पेन को ऐसे रफ करो बालों के साथ, कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है, ये तो चार्ज का क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। अभी और उसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो कि जब भी अगर आपने इस तरह से कोई छड़ को या किसी भी कपड़े को पेन को रफ किया, तो हमेशा जितनी भी बार हमने प्रैक्टिकल किया, जितनी भी बार हमने ट्राई किया, क्या हुआ, सिर्फ हमें दो कंडीशन मिली। पहली तो ये कि इसके कारण या तो वस्तुएं आकर्षित हुई यानी एक दूसरे के ऊपर आकर इस तरह से अट्रैक्ट हुई, या दोनों वस्तुएं एक दूसरे से रिपल हुई। मतलब हमें हमेशा दो कंडीशन मिली, एक तो अट्रैक्शन, दूसरी रिपेल, है ना। तो हमने इस बेसिस पे दो चार्ज बनाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कोई आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम यहां पर अभी मैं इसको रफ कर दूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी चार्ज के मैं गुण की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, है ना, प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम चार्ज, है ना, यानी कि अगर आपके आवेश समान है, सेम चार्ज यानी कि प्लस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, है ना, या नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना, तो इनके बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और ये सेम वैसे ही लगता है जैसे चुंबक के दो समान ध्रुवों के भी, चुंबक के NN पोल को या SS पोल को आप लाते हो, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, वैसे ही ये चार्ज की एक प्रॉपर्टीज है। दूसरा, अगर आपके पास में दो अनलाइक चार्ज हैं यानी असमान चार्ज हैं, है ना, यानी कि आपके पास में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, फंडामेंटल है ये सारा, बेसिक है, आप लोगों को पता भी होगा कि चार्ज आता कहां से है, है ना। एक बात और यहां पर ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रांसफर होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस नाभिक से दो चार प्रोटॉन निकलकर कहीं और चले जाएंगे, यानी प्रोटॉन का बंटवारा कभी नहीं होगा, हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यार ये तो बेचारा न्यूट्रल है तो इसकी कोई कहानी है ही नहीं, है ना। इस बेसिस पे अब चार्ज की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि चार्ज एक ऐसा जादू है, सिंपल सी भाषा में लिखो, चार्ज एक ऐसा जादू है जिसकी वजह से वस्तुएं या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, है ना। चलो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो नोट्स वगैरह बना सकते हो मेरे साथ के साथ। स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अब आगे हम देखते हैं करंट, है ना, या इसे आप कहते हो विद्युत धारा। ठीक है, कि विद्युत धारा क्या होता है,
है ना। तो यहाँ पर विद्युत धारा की जैसे अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखा हूँ, मतलब कहने का ये है कि ये मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है ना, और इसके अंदर से आवेश प्रवाह, आवेश, अब देखो आवेश प्रवाह का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, क्योंकि आवेश आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से ही आया, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आवेश को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित किया, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने आवेश प्रवाहित किया है ना। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लो कि ये टाइम टी सेकंड में जो करे इलेक्ट्रॉन है ये प्रवाहित हो गए, तो इसी को आप क्या कहते हो, विद्युत धारा कहते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह, ठीक है, आवेश प्रवाह बटे क्या लिख सकते हो यहाँ पर, समय, है ना। तो इसको आप लिखते हो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हो, आवेश को Q से और टाइम को T से। तो यहाँ पर Q बराबर क्या होता है आपका, चार्ज या आवेश है, इसे आप कूलाम में लिखते हो। T बराबर आपका क्या है, टाइम है या समय है, और इसको आप हमेशा सेकंड में लिखते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात कर रहा हूँ करंट के, तो आप क्या लिख सकते हो, I बराबर देखो चार्ज को क्या लिख सकते हो, कूलाम, है ना, चार्ज को लिख सकते हो कूलाम, और टाइम को क्या लिख सकते हो, सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हो, करंट को कूलाम प्रति सेकेंड, और इस कूलाम प्रति सेकेंड को ही जब आपने एसआई में चेंज किया तो इसको आप स्टूडेंट लिखते हो एम्पियर, है ना। तो ये होती है आपके करंट की यूनिट, है ना, क्या, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को आपने जब एसआई में चेंज किया तो आप लिख रहे हो एम्पियर, है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आवेश प्रवाह को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति आपके पास में ए है ना, और यहाँ पर ये मैंने आपको ए व्यक्ति दिखाया, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति आपका कोई बी है ना। यहाँ से मैंने 100 कूलाम का चार्ज इस व्यक्ति से ट्रांसफ़र किया है ना, और इसको ट्रांसफ़र करने में मैंने समय लिया यहाँ पर 100 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और मान लो कि यहाँ पर मैंने एक फिर से चार्ज 100 कूलाम का चार्ज प्रवाहित किया और मैंने इसको यहाँ पर 1 सेकेंड में प्रवाहित कर दिया, ठीक है, इस बार। तो अगर मैं इस व्यक्ति ए के लिए बात करूं, करंट आई ए बराबर, है ना, तो देखो चार्ज कितना 100 कूलाम, क्योंकि आपने अभी लिखा है चार्ज को कूलाम में लिखना है ना, 100 कूलाम, समय कितने 100 सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आई ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर या 1 कूलाम प्रति सेकेंड, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, आई बी की बात करूं, तो चार्ज कितना फिर से 100 कूलाम, टाइम कितना इस बार 1 सेकेंड, तो क्या होगा यार, बेचारा ढूस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 100 एम्पियर करंट, देखो कितनी करंट फ्लो हो गई, 100 एम्पियर करंट फ्लो हो गई। मतलब कहने का ये है कि देखो चार्ज क्या मैंने चेंज किया नहीं किया, चार्ज दोनों में सेम है, मतलब 100 कूलाम का चार्ज यहाँ पर, 100 कूलाम का चार्ज यहाँ पर, लेकिन ये जो टाइम है ना, इसने एक्चुअल में यहाँ पर ये डिफरेंस या अंतर को पैदा किया। तो वही चीज़ यहीं, इसीलिए आप डेफिनेशन लिखते हो कि दर को यानी रेट को, रेट क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या, टाइम बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 1 सेकेंड के कंपैरिजन में 100 सेकेंड तो ज़्यादा ही हुए ना, तो टाइम ज़्यादा, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया, और यहाँ पर एकदम से 1 सेकेंड में खचाक पूरे इलेक्ट्रॉन पार, है ना। तो इस वजह से आपका यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर कम करंट फ्लो हुआ। तो ये जो रेट है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, करंट में, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं,
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह बटे समय। आवेश को आप कूलाम में लिखते हो, समय को टी यानी सेकेंड में लिखते हो, कूलाम प्रति सेकेंड। इसी को एसआई में चेंज किया, आपने क्या लिखा, एम्पियर लिखा, है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि दर किस प्रकार से रोल प्ले करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर करंट से कुछ रिलेटेड चीजों की, तो आप लिख सकते हो कि करंट, है ना। अब यहां पर एक एम्पियर करंट की जैसे मैं बात करूं, है ना, एक एम्पियर करंट, है ना। तो अगर मैं मान लो कि ये मेरे पास में कोई कंडक्टर है, ओके, और इसमें से मैं एक कूलाम्ब का चार्ज, कितना चार्ज, एक कूलाम्ब का चार्ज एक सेकेंड में प्रवाहित कर दूं, तो धारा कितनी होगी। तो आप क्या लिखोगे, करंट आई बराबर आपने चार्ज कितना प्रवाहित किया है, एक कूलाम्ब, टाइम कितना लिया है, एक सेकेंड, मतलब एक कूलाम्ब एक बटे एक कूलाम्ब प्रति सेकेंड, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, एक एम्पियर धारा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। बोले लिख सकते हैं यार, है ना। तो क्या होगा अगर आप एक एम्पियर धारा की डेफिनेशन लिखोगे, तो क्या लिखोगे कि किसी कंडक्टर से या चालक से एक कूलाम का चार्ज एक सेकेंड में प्रवाहित कर दें, तो उस कंडक्टर में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। और एक कूलाम चार्ज या एक एम्पियर धारा को आप अगर लिखोगे, है ना, तो क्या लिखते हो, 6.28 × 10⁻²⁴ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 24 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना। यानी कि ये आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और यही 6.28 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन ही आपका एक कूलाम चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूँ कि करंट की स्पीड कितनी होती है, देखो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आईटीआई में आप लोगों से पूछी जा सकती है, है ना। तो स्पीड इसकी होती है प्रकाश की चाल के बराबर। ये आप ध्यान रखना कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा की जो गति होती है वो प्रकाश की चाल से चलती है, मतलब कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हो क्या, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यह आप लोगों के लिए 5 रहेगा, है ना, जब आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट, ओके, करंट क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, है ना। तो जब भी अगर देखो आईटीआई में सिर्फ जब भी आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि अदिश राशि है या सदिश राशि है, है ना। तो सदिश और अदिश में अभी वहां पर मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं, आप लोग सिंपल लिख लो, है ना, कि जो आपकी करंट है या जो विद्युत धारा होती है ये एक अदिश राशि है, है ना। एक्चुअल में चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। एक्चुअल में करंट होती है टेंसर क्वांटिटी, है ना, एक तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। एक होती है सदिश राशि यानी आपका वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है अदिश राशि यानी आपके लिए स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है ना। तो करंट आपका टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट में डायरेक्शन तो है लेकिन क्या होता है वह वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करता है, है ना। तो इतना डीप में आप लोगों को जाना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि हमको एक नंबर से मतलब है, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि करंट क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप लोग बताओगे कि अदिश राशि है, है ना। तो करंट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें यहां पर क्लियर है, है ना। चलो अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है
कि यदि किसी वैद्युतिक चालक में 20 कूलाम आवेश को 5 सेकंड में प्रवाहित कर दिया जाए तब चालक में धारा का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो उसने क्या पूछा है, धारा का मान यानी कि उसने आई का मान आप लोगों से पूछा है। उसने क्या दिया है, 20 कूलाम का आवेश यानी क्यू बराबर आपने क्या दिया है, 20 कूलाम चार्ज दिया हुआ है और जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, टी बराबर 5 सेकेंड में प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने लिखा है विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह बटे समय, तो आवेश प्रवाह की दर क्या है, 20 कूलाम है और 5 सेकंड में इतना चार्ज को ट्रांसफर करा है, तो सिंपल सा आप लिखेंगे आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू का मान कितना यार 20 कूलाम, टी का मान कितना 5 सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 20 यानी आई बराबर क्या लिखोगे 4 कूलाम पर सेकेंड, या इसको आप लिखोगे 4 एम्पियर धारा होगी, है ना। तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है, है ना। तो इस टाइप से आपसे छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है, कुछ डेटाबेस क्वेश्चन जैसे स्पीड की 1 एम्पियर या अदिश या सदिश राशि क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो करंट से रिलेटेड जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी ITI बेसिस पे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस आप लोगों से की है। अब हम आगे देखते हैं, है ना। पर ठीक है, यहाँ पर अगला जो आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है वो आता है वोल्टेज, या इसे आप कहते हो विभव, है ना, वोल्टेज या विभव, क्लियर है, है ना, ये क्या होता है, ठीक है। तो वोल्टेज या विभव की अगर हम परिभाषा की बात करें तो होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत के किसी क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, उसका विभव या पोटेंशियल या आप कह दो उसको वोल्टेज कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि मान लो यहाँ पर यह कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो चार्ज, इसीलिए मैंने कहा था चार्ज को अच्छे से समझ लो, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका क्या होगा, अपना कुछ एरिया होगा। मान लो कि यहाँ तक इसका प्रभाव नजर आ रहा है ना भाई, सेम वैसे ही जैसे आप ये कोई बल्ब यहाँ पर यह कोई बल्ब लगाते हो इस टाइप से डन 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 डन, तो ये बल्ब को जब आप चलाते हो ऑन करते हो तो इसका कुछ एरिया होता है ना, जहां तक ये क्या करता है लाइट देता है प्रकाश देता है, तो यही एरिया, तो मतलब जहां तक उसका प्रभाव है वो उसका क्या होगा, क्षेत्र होगा या एरिया होगा। तो इसी प्रकार से ये कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, मान लीजिए इसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, आगे आपको पता चलेगा जब ये मूव करता है, ठीक है। तो यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर मान लो कि एक छोटा चार्ज क्यू नॉट, है ना, ये कोई अनंत पॉइंट पी पर रखा है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इस छोटे चार्ज को यहाँ से उठाकर, है ना, आपने क्या किया लेकर चले ढंडन ढंडन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में यहाँ पे जो आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है या विभव कहलाता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि किस, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो कि विभव यानी कि वोल्टेज बराबर, है ना, क्या किया गया कार्य, ठीक है, बटे क्या आप चार्ज को लेकर आ रहे हो ना आवेश, तो आपने यहाँ पर, है ना, लाया गया आवेश, आप कितना आवेश ला रहे हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, आप विभव को रिप्रेजेंट करते हो V अक्षर से यानी वोल्टेज, V बराबर वर्क डन यानी कि आप लिखते हो W अपान में लिया गया चार्ज Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपका वोल्टेज के लिए फार्मूला, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क जो आप कर रहे हो और जितना चार्ज आप कैरी कर रहे हो, है ना। अब देखो यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आप W बराबर क्या लिखते हो, कार्य लिखते हो या वर्क लिखते हो, इसको आप लिखते हो जूल में, और Q बराबर फिर से आप क्या लिखोगे, चार्ज लिखोगे, और चार्ज के यूनिट क्या, कूलाम। तो अगर हम भी को लिखें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, जूल प्रति
कूलाम, है ना, लिख सकते हो कि नहीं? जैसे आपने करंट में लिखा था कूलाम प्रति सेकंड, तो वैसे यहाँ पे लिख लिया जूल प्रति कूलाम। और इसी को जब आपने एसआई में चेंज किया तो आप लिखते हो वोल्ट, यानी आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज या विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, आया कहाँ से, जूल प्रति कूलाम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये आपका होता है वोल्टेज, क्लियर है? मतलब वोल्टेज जब आप चार्ज को कैरी करते हो, अभी आके आपको पता चल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है अगर समझ में नहीं आया तो। यानी चार्ज को जब आप कैरी करके ले जाते हो तो कुछ कार्य करना पड़ रहा है, और यही कार्य क्या होता है, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और इसी एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो या पोटेंशियल कह सकते हो, है ना। तो इस फार्मूले के बेसिस पे यहाँ पर मैं मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी 10 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में 50 जूल कार्य करना पड़े तो उस पर विभव की गणना करो या उस पर वोल्टेज बताओ। यानी आपसे पूछा है कि वोल्टेज का मान क्या होगा जबकि चार्ज कितना दिया आपको, 10 कूलाम चार्ज दिया, यानी कि आपको क्यू बराबर दिया हुआ है 10 कूलाम, है ना। और जो काम करना पड़ रहा है इसको लाने में वो कितना, वर्क दिया हुआ है आपको 50 जूल, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, वोल्टेज इज इक्वल टू किया गया कार्य बटे आवेश, है ना। तो आप कार्य कितना कर रहे हो, 50 जूल कार्य कर रहे हो, है ना। आपने चार्ज को कितना कैरी किया, 10 कूलाम चार्ज को आप कैरी कर रहे हो, यानी लेकर जा रहे हो, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, V बराबर, अब जब हल करोगे तो 5 जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो कि 5 वोल्ट वोल्टेज होगा, है ना। तो इस टाइप से आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो कई बार क्या होगा कि आपसे W पूछ लेगा, यानी वोल्टेज और चार्ज देगा, आपको बोलेगा कितना काम करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, हमेशा कोई भी 2 देगा और आपसे तीसरी पूछेगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको चार्ज क्लियर है, करंट क्लियर है, वोल्टेज क्लियर है ना। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।